हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, विलोपन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे, विलोपन विधि। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं और उन इक्वेशनों को हम हल करेंगे, उन इक्वेशंस को हम हल करेंगे। जैसे यदि हमारे पास दो इक्वेशन हैं 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, या तो हम y के कोफिशेंट को या फिर हम x के कोफिशेंट को एलिमिनेट करते हैं, और उस एलिमिनेट को हम इनके कोफिशेंट को इक्वल करके ही इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। या तो हम x के कोफिशेंट को इक्वल करें या फिर हम y के कोफिशेंट को इक्वल करें। x का कोफिशेंट पहली इक्वेशन में 3 है, दूसरी में 2 है। इनको हम दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके। ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। या हम y के कोफिशेंट को इक्वल कर सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके। यानी हम बोथ साइड या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। मान लेते हैं हम x के कोफिशेंट को इक्वल करना चाहते हैं, तो पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इक्वेशन सेकंड बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर x का कोफिशेंट इक्वल हो जाता है। इक्वेशन 1 को हम दोनों तरफ 2 से गुणा करते हैं, इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाता है 6x + 4y = 22। और इक्वेशन सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6x + 3y = 12। यानी अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करेंगे। x के कोफिशेंट को हम एलिमिनेट किस प्रकार कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक 7 है और 7 है, इन दोनों को एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन के आई हैं वो इक्वेशंस हैं 6x + 4y = 22 एंड 6x + 9y = 12। तो इस इक्वेशन में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन को चेंज करेंगे, 6x - 6x ये हो जाएगा एलिमिनेट, 4 - 5y ये हो जाएगा, 4x - 9y ये होगा हमारे पास -5y = 22 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10, y की वैल्यू होगी 10 - -5, 5 × 10 यानी -2, y की वैल्यू होगी -2। अब y की वैल्यू को हम या तो इसमें रखें या इस इक्वेशन में रखें, या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें रखेंगे, तो यहाँ पर x के y के स्थान पर हम -2 रखते हैं = 22, 6x
माइनस फोर माइनस टू और फोर की मल्टीप्लाई होगी माइनस एट, सिक्स एक्स इक्वल टू 22 प्लस 8 ये हो जाएगा 30, तो x की वैल्यू होगी 30/6, x की वैल्यू हमारे पास होगी 5, यानी ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। तो इस प्रकार हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। दिए गए रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ विलोपन विधि ही पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है x प्लस 5 इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर x का कोफिशेंट 1 है, यहाँ x का कोफिशेंट 2 है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 और ये 2। यदि हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 के इक्वल हो जाता है, यानी x का कोफिशेंट दोनों इक्वेशंस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करते हैं, x प्लस y इक्वल टू 5, दोनों तरफ हम 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर x का कोफिशेंट 2 है दोनों जगह, अब हम इसको इक्वेशन 3 नेम दे सकते हैं। इक्वेशन 3 और 2 में दोनों जगह x का कोफिशेंट 2 है, 2 को हम 2 में से माइनस करेंगे तभी हमारे पास 0 होगा, यानी इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करें या फिर इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, एंड इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मान लेते हैं हमने 7 को, मान लेते हैं 7 में से हमें माइनस 2 को घटाना है, माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करेंगे माइनस 2 को, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, तो 7 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस 2, यानी घटा करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस का साइन है वो प्लस का होगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये निशान चेंज हो जाएंगे। 2x माइनस 2x ये एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा 2y प्लस 3y 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y की वैल्यू होगी 6/5। अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें या इक्वेशन 3 में रखें, तो मान लेते हैं हम
इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई के स्थान पर हम रखेंगे 6/5 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5y माइनस 6/5, x इक्वल टू होगा 25 माइनस 6 अपॉन 5, x इक्वल टू 19/5। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप स्वयं सॉल्व करना। पार्ट टू में दिया गया है थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में x का गुणांक यदि हम बराबर करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में यदि हम x के कोफिशेंट को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम y के कोफिशेंट को इक्वल करना चाहें तो इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y का कोफिशेंट इक्वेशन 1 में 4 है और इक्वेशन सेकंड में -2 है, इसको भी हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाता है, यानी इक्वल हो जाएंगे। -4 और +4 इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो हमें 0 प्राप्त होता है, यानी यहाँ से हम y के कोफिशेंट को या y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, समीकरण 2 को दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इक्वेशन इसको हम थर्ड नेम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड में y का कोफिशेंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -4 है, तो y का कोफिशेंट ऐड करने पर ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन थर्ड, समीकरण 1 और समीकरण 3 में जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो बाय एडिंग ये हो जाएगा एलिमिनेट, तो 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7x, 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14, x इक्वल टू 14/7 यानी 14 x की वैल्यू होगी 2। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड में पुट करते हैं, मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में x के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे, 4y इक्वल टू 10, 3×6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 4, तो y की वैल्यू होगी 4/4, y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। यदि हम चाहें कि यदि हम अपने आंसर को देखना चाहते हैं ठीक है या गलत है, इसके लिए हम x के स्थान पर 2 पुट करेंगे और y के स्थान पर 1 पुट करेंगे,
टू थ्री जा सिक्स, ये टर्म हो जाएगी छः, चार एकम चार ये हो जाएगी चार, छः और चार इनको हम ऐड करेंगे तो हम 10 प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में दी गई इक्वेशन है 3x-5y-4=0 एंड 9x=2y+7। सबसे पहले हम इक्वेशन में x और y के कोफिशेंट को एक तरफ लेते हैं, जैसे 9x-2y-7=0, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशेंट 3 है, सेकंड में 9 है, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से गुणा कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 9x-3×15-12=0। अब हम इक्वेशन थर्ड नेम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और थर्ड में x का कोफिशेंट 9 है, 9 को हम जब 9 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास x को हम एलिमिनेट कर सकेंगे, यानी इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, घटाने पर 9x-2y-7=0। इक्वेशन थर्ड है 9x-15y-12=0। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये एलिमिनेट हो जाता है, 15-2 13y, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5=0, y की वैल्यू होगी -5/13। अब y के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट 3x-5y, y के स्थान पर हम पुट करेंगे -5/13-4=0। तो बोथ साइड हम इस 13 को यदि हम इस 13 को एलिमिनेट करना चाहें तो दोनों तरफ हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 39x-25 -13/52 13 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 13×0 0 हो जाएगा 39x। ये इन दोनों की जो 25 -52 ये होगा 27=0, -27 हो जाएगा ये 39x=, जो -27 है उस तरफ लेकर चलते हैं तो +27 होगा, एक्स की वैल्यू होगी 27/39, यानी इसको हम यदि 3 से कैंसिल करते हैं तो 9/13, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9/13। तो ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में दी गई इक्वेशंस हैं x/2+2y/3=-1, x-y/3=3। सेकेंड इक्वेशन है x-y/3=3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम होगा 6, यहाँ होगा 2 3 जा 6,
थ्री की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करते हैं, थ्री एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स, टू की मल्टीप्लाई करते हैं टू के साथ, ये हो जाएगा फोर वाई इक्वल टू माइनस वन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नेम दे सकते हैं। इसको हम सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम होगा वन, यहाँ पर हम वन लिख सकते हैं, यहाँ थ्री, इन दोनों का एलसीएम होगा थ्री, तो यहाँ थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा नाइन, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशेंट थ्री है और सेकंड इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशेंट थ्री है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन वन में से माइनस करने पर इक्वल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये एलिमिनेट होगा, ये होगा फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स और माइनस नाइन, ये होगा माइनस फिफ्टीन, वाई की वैल्यू होगी माइनस फिफ्टीन अपॉन फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, वाई की वैल्यू होगी माइनस थ्री। अब वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर y के स्थान पर हम माइनस तीन रखेंगे, थ्री एक्स माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस सिक्स, एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व, थ्री एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सिक्स, तो x की वैल्यू होगी सिक्स अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास टू और y की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस तीन। यदि हम इसको चेक करना चाहते हैं तो x के स्थान पर हम पुट करेंगे टू, ये हो जाएगा टू से टू कैंसिल वन, यहाँ पर वन, माइनस थ्री पुट करते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन ये होगा माइनस वन। तो इस प्रकार हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को हल कर सकते हैं।